नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बस वाले हड़ताल पर चले गए, या बैंकों की स्ट्राइक हो गई, या सफाई कर्मचारी सफाई पर हड़ताल पर चले गए। तो आइए आज जानते हैं कि स्ट्राइक और उसके प्रोविजन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, स्ट्राइक मीन्स अ सेशन ऑफ वर्क by a body of persons employed in an industry acting in combination or a concerted refusal or a refusal under a common understanding of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept any employment. Means strike wo hai, hadtal ka matlab ye hai ki kaam ka band hona by a body of person, kuch logo ke dwara. तो वो बॉडी ऑफ पर्सन वर्कर्स यूनियन भी हो सकती है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी हो सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स भी हो सकते हैं। वो किसी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड हैं, एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं और मिलके काम करने को रिफ्यूज करते हैं। दिस टूल ऑफ स्ट्राइक इज यूज्ड बाय वर्कर्स एंड लेबर यूनियंस टू गेट देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड। ये जो स्ट्राइक का हथियार है, टूल है, इसको यूज करते हैं वो अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा। व्हेन वर्कर्स कलेक्टिवली सीज टू वर्क इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री दे आर सेड टू बी इन स्ट्राइक। आइए देखते हैं स्ट्राइक कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्ट्राइक। वर्कर्स स्टॉप देयर वर्क टू एनफोर्स देयर इकोनॉमिक डिमांड्स सच एज ऑफ बोनस, वेज रिविजन, TA, HRA एटसेट्रा। कि वो स्ट्राइक जो किसी इकोनॉमिक डिमांड के मद्देनजर की गई हो, अपनी इकोनॉमिक डिमांड लाइक वेज रिवीजन है, TA चाहिए है, बोनस चाहिए है, उसको मनवाने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा अगर कोई स्ट्राइक की गई हो तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक स्ट्राइक। नेक्स्ट इज जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक बेसिकली हमने देखा है कि एक रीजन की मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज या मोस्ट ऑफ द जो भी वर्क है, सर्विसेज हैं, वो हैम्पर हो जाए। इट मींस अ स्ट्राइक बाय मेंबर्स ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द यूनियंस इन अ रीजन और अ इंडस्ट्री। दीज स्ट्राइक्स आर यूजुअली इंटेंडेड टू क्रिएट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट रदर देन ऑन एनी वन एम्प्लॉयर। जैसे हम देखते हैं भारत बंद का ऐलान कर देते हैं कई बार, मतलब किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट बंद का ऐलान कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनियंस उसमें हिस्सा लेती है। वो किसी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के खिलाफ ग्रीवेंस नहीं होता, बट इट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस इज जनरल स्ट्राइक। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक मींस सिंपैथी, किसी के लिए हमें सिंपैथी देना, उसके बेस पे भी स्ट्राइक हो सकती है। ये देखते हैं क्या है ये। व्हेन वर्कर्स ऑफ वन यूनिट और इंडस्ट्री गो ऑन स्ट्राइक इन सिंपैथी विद वर्कर्स ऑफ अनदर यूनिट और इंडस्ट्री हु आर ऑलरेडी ऑन स्ट्राइक। मतलब एक कुछ लोग स्ट्राइक पे हैं, कोई यूनियन या कोई वर्कर एक इंडस्ट्री में स्ट्राइक पे हैं, तो उनको सिंपैथी देने के लिए दूसरी इंडस्ट्री या दूसरी यूनिट के वर्कर भी स्ट्राइक पर चले जाएं, उसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक स्ट्राइक। इन कंबालिंगन वर्सेस इंडियन मेटल एंड मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन, ये एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का केस है, कंबालिंगन वर्सेस इंडियन मेटल एंड मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन। The Supreme Court held that as there was no animosity on the part of workmen against their own employer, and since the essential part of mansary is absent, the sympathetic strike cannot be regarded as strike within the meaning of Section 2Q of the Industrial Dispute Act, and management can take disciplinary action against any such workman. इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वर्कर स्ट्राइक पे गए थे, सिंपैथेटिक स्ट्राइक पे गए थे, उनका अपने खुद के एम्प्लॉयर के खिलाफ तो कोई ग्रीवांस था ही नहीं। तो अगर कोई उनके खिलाफ कोई ग्रीवांस नहीं था तो ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2Q के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक के अंदर नहीं आता, तो मैनेजमेंट उन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट इज स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक होती है, अंडर दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक वर्कर्स रिमेन ऑन द जॉब एंड डू नॉट स्टॉप द वर्क, रादर स्लो डाउन द रेट ऑफ आउटपुट। मतलब वर्कर काम पे भी आते हैं, काम करते भी हैं,
लेकिन उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करते, काम रोकते भी नहीं है तो काम बिल्कुल बंद भी नहीं करते, तो काम पूरी स्पीड से भी नहीं करते, तो वो स्लो डाउन कर देते, इसको बोलते हैं स्लो डाउन स्ट्राइक। नेक्स्ट इज सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक क्या होती है? वर्कर्स डू नॉट अबसेंट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क व्हेन दे आर ऑन स्ट्राइक, दे कीप कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन फैसिलिटीज बट डू नॉट वर्क। सच अ स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। इसमें क्या करते हैं लोग, आते हैं लेकिन काम नहीं करते, मतलब अपने आप को वर्क प्लेस से अब्सेंट नहीं रखते, लेकिन आके काम भी नहीं करते और प्रोडक्शन फैसिलिटी का कंट्रोल अपने पास ही रखते हैं। इसको हम अगर व्हाइट कॉलर वर्कर्स ये काम कर रहे हैं, जैसे क्लेरिकल स्टाफ या कोई व्हाइट कॉलर वर्कर्स कर रहे हैं तो पेन डाउन बोलेंगे, और ब्लू कॉलर वर्कर्स कर रहे हैं तो टूल डाउन बोलेंगे। वर्कर्स शो अप देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट दे रिफ्यूज टू वर्क। नेक्स्ट इज हंगर स्ट्राइक। इन दिस फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट वर्कमैन रिसोर्ट टू फास्टिंग नियर द वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू डिमांड द एम्प्लॉयर टू रिड्रेस देयर ग्रीवांसेस। मतलब इस इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट के अंदर जो वर्कमैन होते हैं वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के पास ही बैठ के फास्ट रखते हैं, खाना बंद कर देते हैं एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि वो हमारे ग्रीवांस दूर करें। नेक्स्ट इज वाइल्ड कैट स्ट्राइक। दीज स्ट्राइक्स आर कंडक्टेड बाय वर्कर्स और एम्प्लॉयज विदाउट द अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस। इट्स ऑल्सो नोन एज क्विकी और आउटलो स्ट्राइक। मतलब जो वर्कर्स हैं ये यूनियन की अथॉरिटी लिए बिना अथॉरिटी के और बिना यूनियन की परमिशन के स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। देन इज फ्लैश और लाइटनिंग स्ट्राइक। वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक ऑल ऑफ अ सडन विदाउट गिविंग एनी नोटिस और फॉलोइंग द प्रोसीजर। मतलब स्ट्राइक करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आपको नोटिस देना है, जितने दिन का नोटिस है उतने दिन के अंदर स्ट्राइक पर नहीं जाना, वो एक प्रोसेस फॉलो होता है और पूरा प्रोसेस दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। तो वर्कर्स उसको फॉलो किए बिना एकदम स्ट्राइक पर चले जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश और लाइटनिंग स्ट्राइक। नेक्स्ट इज टोकन स्ट्राइक। अ नॉर्मल वन और टू डेज ब्रीफ स्ट्राइक इंटेंडेड टू कन्वे द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्प्लॉयज ऑन अ डिस्प्यूटेड इशू। इसके अंदर क्या है, प्रॉपर स्ट्राइक नहीं करते, एक दो दिन का डिसकंटेंट दिखाते हैं कि हमें इस इशू पे हम खुश नहीं है, हमारी ये फीलिंग से इस इशू पे, और वो एक या दो दिन की टोकन स्ट्राइक करते हैं। नेक्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। इट इज जनरली अ रिजल्ट ऑफ द डिस्प्यूट ओवर वर्क असाइनमेंट्स बिटवीन मल्टीपल ट्रेड यूनियंस ओवर द इश्यू ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इट इज जनरली ओवर द डिस्प्यूट विच ट्रेड यूनियन शुड हैव द राइट टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन होती है जहाँ पे, तो वहां पे कि किस ज्यूरिसडिक्शन की यूनियन है, यहाँ पे किस ज्यूरिसडिक्शन की नहीं है, किस इश्यू पे एक यूनियन मुद्दा उठा सकती है स्ट्राइक पे जा, इसके ग्रीवांस के ऊपर ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक पे चले जाते हैं लोग। प्रोसीजर ऑफ स्ट्राइक इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22(1) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, अगर आप एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम कर रहे हो तो आप इन कंडीशन को फॉलो किए बिना स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड एज इलीगल स्ट्राइक। 6 week नोटिस विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर notice of strike as herein after provided within 6 weeks before striking। मतलब अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है तो मिनिमम आपको 6 हफ्ते का एम्प्लॉयर को एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम 6 हफ्ते के बाद स्ट्राइक पे जाएंगे। 14 days within 14 days of giving such notice, कि अगर आपने वहां पे कोई डेट नहीं लिखी है तो आप नोटिस के 14 days तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। डेट ऑफ एक्सपायरी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस एज अफोरसेड। मींस अगर उस नोटिस के अंदर आपने एक डेट डाली है कि हम 1 फरवरी से या 1 मार्च से स्ट्राइक पे जाएंगे, तो आप उस डेट से पहले स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अगर डेट नहीं डाली है तो आप 14 days के नोटिस देने के 14 days तक नहीं जा सकते। एंड नेक्स्ट इज कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी
कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर आपकी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी समझौता अधिकारी के समक्ष, वो इट कैन बी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, डिप्टी सीएलसी, व्हाटएवर, तो अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं तो पेंडेंसी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर स्ट्राइक्स। और अगर कंक्लूड हो चुकी हैं तो उसके 7 दिन तक आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते। मींस यू कैन प्रोसीड टू स्ट्राइक आफ्टर द कंक्लूजन, 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। ये हमने देखा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में। अभी हम देखते हैं नॉर्मल जो और एस्टेब्लिशमेंट है उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, नो वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ एनी सच वर्कमैन शैल डिक्लेयर अ लॉकआउट। सेक्शन 23 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है कि ना तो कोई वर्कमैन इन कंडीशंस को फॉलो किए बिना स्ट्राइक पे जाएगा, ना ही कोई एम्प्लॉयर इन कंडीशन को फॉलो किए बिना इंडस्ट्री का लॉकआउट करेगा, अदरवाइज दोनों ही चीजें विल बी डीम्ड इलीगल। कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स, अगर कहीं पे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बोर्ड एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, कि कोई भी इंडस्ट्री, यहाँ पे ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए नहीं है, बाकी सब एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अगर आपकी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स किसी भी कॉन्सिलिएशन बोर्ड के आगे पेंडिंग है और 7 दिन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है तो आप नहीं जा सकते, लेकिन आपका कंक्लूड हो गई है प्रोसीडिंग्स तो उसके भी 7 दिन के बाद ही जा सकते हैं आप स्ट्राइक पर। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 मंथ्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। पहले हमने देखा कि कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड है, लेकिन अगर आपका मैटर किसी लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चला गया है तो भी आप पेंडेंसी है उसकी मैटर की तो भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते और लॉकआउट भी नहीं कर सकते एम्प्लॉयर। और अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं तो 2 महीने तक भी नहीं कर सकते, व्हेन 2 मंथ्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स बिफोर अ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इफ योर मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, तो अगर आपका मैटर आर्बिट्रेशन में गया हुआ है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी आर्बिट्रेटर एंड 2 मंथ्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, की आर्बिट्रेशन में यही है 2 मंथ का ही पीरियड दिया हुआ है। और अगर लास्ट इज सेटलमेंट और अवार्ड, ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट और अवार्ड। मतलब अगर आपकी किसी भी अथॉरिटी के सामने आपकी सेटलमेंट हुई है या फिर कोई अवार्ड हुआ है 2 पार्टीज के बीच में, तो उस अवार्ड के और सेटलमेंट के ऑपरेशन का टाइम जो दिया गया है उस टाइम में भी आप नहीं जा सकते स्ट्राइक पे, अगर वो मैटर अवार्ड का और सेटलमेंट का पार्ट है तो। सेक्शन 26 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, कि अगर इन प्रोसीजर को फॉलो किए बिना अगर कोई वर्कमैन या कोई यूनियन स्ट्राइक पर चली जाती है तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाती है, और कोई एम्प्लॉयर अगर इंडस्ट्रियल लॉकआउट कर देता है तो वो भी इलीगल माना जाता है। तो इनके लिए क्या पेनल्टी दी गई है इंडियन एक्ट्स के अंदर, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 26 बताता है, एनी वर्कमैन हु कमेंसेस कंटिन्यूज और अदरवाइज एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ अ स्ट्राइक विच इज इलीगल under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 month or with a fine which may extend to 50 rupees or with both। ki agar koi workman in procedure ko follow kiye bina agar strike pe chala jata hai to he shall be punishable with imprisonment of which may extend to 1 month, 1 mahine ki jail ho sakti hai ya 50 rupees tak ka fine ho sakta hai athwa dono ho sakte hai। ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट कर देता है प्रोसीजर फॉलो किए बिना
तो उसके लिए भी 1 महीने तक की जेल का प्रावधान है और फाइन 1,000 रुपए तक के फाइन का प्रावधान है, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। सो फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेबर लॉ स्टेशन। थैंक यू वेरी मच।